अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप देख रहे हैं जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस और मैं हूं ताहिर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की पोएम नंबर 5 जिसका नाम है स्नो ड्रॉप। और इससे पहले कि अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप हमारी चैनल की विजिट लिस्ट में या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां पे आपको ये सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। अब से पहले के प्रोज के सारे चैप्टर्स अलॉन्ग विद दियर क्वेश्चन आंसर्स और इसके पहले की तमाम जो भी पोएम्स हैं वो हमने एक्चुअली अपलोड कर दिए हैं। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th इंग्लिश जो है वो जाकर देख सकते हैं और आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स अलॉन्ग विद अभी तक के अपलोड लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। और हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, साथ में बहुत ही जल्दी हम इंशाल्लाह जो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके ऊपर गेस्ट जो है अभी वो पेपर्स बन रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एक परफेक्ट वाला एक मॉडल पेपर जो है आपको बनाकर बताएं जो इस साल के पेपर्स जो है बोर्ड के उसके अकॉर्डिंग हो और आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी हमको कि कम से कम वो वीडियोज अपलोड किया जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी वर्क हो रहा है उसके ऊपर और जल्दी ही हम आपके साथ वो सारी चीजें भी हैं जो इंपॉर्टेंटली शेयर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर के बारे में। एंड दिस इज अ प्रेटी सिंपल एंड इजी चैप्टर, और चैप्टर का नाम जो है ये एक पॉम है, स्नो ड्रॉप, पॉम नंबर 5। और लेट्स स्टडी अबाउट द आर्थर फर्स्ट। इस पॉम के लिखने वाले हैं टेड ह्यूज बाय नेम ऑफ एडवर्ड जे ह्यूज। तो इनका जो पोइट्री में नाम जो आया था वो एडवर्ड जे ह्यूज के नाम से मशहूर है। बार्न ऑन अगस्त 1793, यॉर्कशायर में पैदा हुए इंग्लैंड में, एंड डाइड अक्टूबर 1998। सो एक इंग्लिश पॉइंट जो के मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं वर्सेस इज विदाउट सेंटिमेंटलिटी से, जिसे हम कहेंगे सेंटिमेंटलिटी के बगैर, जिसे हम कहेंगे एक लव और अफेक्शन जो जानवरों के खिलाफ, कनिंग एंड सेवेजी ऑफ द एनिमल्स लाइफ इन हार्श समटाइम्स, जिसे हम कहेंगे डिस्टिंक्ट टू लाइंस, और एनिमल्स के बारे में लिखा करते थे और एक लव जो था नेचर का, ये हर एक पोइट के साथ आपने देखा होगा एक कॉमन चीज है। तो चलिए करते हैं आज की इस प्यारी सी पॉम को डिस्कस, और पॉम का नाम है स्नो ड्रॉप। तो पहले हम समझेंगे कि स्नो ड्रॉप क्या होता है। तो स्नो ड्रॉप बेसिकली एक फ्लावर है, और अगर आप बात रखें तो उर्दू में इसको, जिसे हम कहेंगे गुले महताब कहा जाता है, या कुछ किताबें इसे गुले चांदनी भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली एक फ्लावर है, और इस पूरे फ्लावर की जो कहानी है, जो इसकी सिचुएशन है, ये क्या होता है, इसके बारे में इसका विदस्टैंड देके एक पोम को डिस्क्राइब किया गया है, और बहुत ही शानदार पोएम है। लेट्स डिस्कस। ये बेसिकली एक सफेद फूल का एक पौधा होता है जो बेसिकली विंटर्स के सीजन्स में उगता है, यानी कि इसका जो कंडीशंस है वो विंटर्स में ही आती है, और विंटर्स में ये खिल उठता है, ये कंडीशन है। और अक्सर आपने देखा होगा कि फूल जो है वो चांदनी रातों में खिलते हैं जब नॉर्मल टेम्परेचर हो या नॉर्मल सारी चीजें जा रही हो, लेकिन इसका एक यूनिक वे है। अगर इस फ्लावर की आप बात करें तो बेसिकली ये जो फ्लावर है इसमें एक क्षमता है, एक वो ताकत है कि ये विंटर की बहुत खतरनाक सर्दी को बर्दाश्त करके जिंदा रह सकता है, ठीक है, यानी कि खड़ा रह सकता है इस खतरनाक और हार्श विंटर और बिटरनेस कूल्ड के अंदर। यह शायर बेसिकली इस पोम के थ्रू हमें एक मैसेज देना चाहता है कि जिंदगी के हालात चाहे कैसे भी हों, कैसी भी मजबूरियां पड़ जाए, इंसान को अपने इरादे जो है वो मुसम्मम रखने चाहिए, और दूसरी बात यह है कि हर मुश्किल हकीकत में, हर मुश्किल कंडीशन में अपने आप को जिंदा रखना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इस थोड़ा सा इस स्नो ड्रॉप के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली स्नो ड्रॉप क्या होता है। तो ये इस तरह का एक पौधा होता है जो बेसिकली विंटर्स में ही चढ़ता है। इसका जो फूल होता है बड़ा हैवी होता है, और जिसकी वजह से आप देखोगे ये नीचे झुका हुआ है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ये नीचे झुका हुआ है, फूल को मैंने मार्क कर दिया है तो आप देख सकते हैं। सो इस तरह का ये व्हाइट कलर का एक फूल होता है स्नो ड्रॉप। सबसे पहले इसकी जो करेक्टर है, इट्स अ स्ट्रांग फ्लावर, बहुत ही स्ट्रांग फ्लावर है,
क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे कि ये इसकी स्ट्रांगनेस यहां हमें ये बताती है कि विंटर की खतरनाक सर्दी में भी इसे क्षमता है जीने की, यानी कि इसके अंदर ताकत है जीने की। सिंबल ऑफ सर्वाइवल इन टफ कंडीशंस, अगर आपकी लाइफ बहुत टफ जा रही है, बहुत खतरनाक तरीके से गुजर रही है, तो सिंबल ऑफ सर्वाइवल आप ले सकते हैं इस फ्लावर को और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर आप डाल सकते हैं। लाइफ की कंडीशंस जैसी भी हो, हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते रहना है और एक दिन आप जरूर अपने गोल, अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे, जो ये पोम हमें समझाने की भी कोशिश कर रही है। इट्स हैवी हेड विच बेंड्स डाउन बिकॉज ऑफ हैवीनेस एंड हार्डनेस। इसका जो हेड होता है जहां पे फूल निकलता है, तो ये बेसिकली क्या काम करता है, ये बहुत हैवी होता है और हैवीनेस की वजह से इसका हेड जो होता है हमेशा झुका हुआ होता है। यानी कि यहां ये दिखाने की बात की जा रही है कि विंटर का असर इस पे भी पड़ता है, हालांकि ये झुक तो जाता है लेकिन गिरता नहीं है। इसका मतलब है तकलीफें बहुत ज्यादा भी हों, आप इसको विदस्टैंड कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, कमजोर आप पड़ोगे जरूर लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। इट्स अ स्मॉल ड्रूपिंग फ्लावर विच इज एबल टू विदस्टैंड द इंटेंस कोल्ड। यानी कि एक छोटा सा स्मॉल फ्लावर जो कि विदस्टैंड कर सकता है किसी भी तरह की खतरनाक सर्दी में। तो मैं यही चाहूंगा कि आप भी अपने ये जो खतरनाक टाइम आ रहा है सामने से एग्जाम का, उसमें बहुत अच्छे से विदस्टैंड करेंगे एंड यू विल फाइंड द थिंग्स आर लाइक वेरी इजियर। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द पोएम। सो पोएम इज, नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट राउंड द माउस डल्ड विंटरिंग हॉट, weasel and crow as if molded in brass move through an outer darkness not in their right minds। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये विंटर के सीजन में, अगर मान के चलो हम स्नो ड्रॉप के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली विंटर के सीजन में बात हो रही है। जब विंटर की कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है तो हम लोग तो बहुत इस चीज के एक्सपीरियंस में हम श्रंक नहीं हो जाते। ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड, यानी कि यहां पे ये क्या, नाउ द ग्लोब श्रंक टाइट, ये जो ग्लोब है ना ये टाइट हो चुका है। यहां पे क्या मतलब है इस ग्लोब टाइट होने से, क्या ऐसा तो नहीं है कि दुनिया पहले बहुत बड़ी थी और अब ये टाइट हो चुकी है। यहां मैं एक सर्कल से समझाने की कोशिश करूं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि पहले ये दुनिया इस तरह की थी और अब श्रंक हो चुकी है, इतनी सी हो चुकी है, बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है। तो यहां पे एक्चुअल जो बात पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा है कि बेसिकली हम अगर सर्द मौसम की बात करें तो जब भी ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, बर्फ की तरह ये जो खौफनाक जो बर्फ में बरसने वाली ये जो सर्दियां होती हैं, इसमें जमीन जो है वो सुकड़ के रह जाती है। जमीन यहां से या ग्लोब से मतलब यहां जमीन या लैंड नहीं है, बेसिकली मतलब है लाइफ। ये याद रखो, हर एक इंसान की जो लाइफ है वो बेसिकली श्रंक हो जाती है। ठीक है, श्रंक होने से मतलब क्या है अगर हम ध्यान रखें तो, श्रंक होने का यहां पे मतलब है कि लाइफ जो है वो पाबंद हो जाती है। आप एक जगह बंद के रह जाते हो, आप एक जगह ठहर के रह जाते हो, जैसे फुल स्टॉप सा लग जाता है जिंदगी पे। नाउ द ग्लोब इज श्रंक टाइट, अब जो जिंदगी है वो टाइट हो चुकी है, श्रंक हो चुकी है इस कड़ाके की सर्दी की वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, शायर ने शायद इस ग्लोब लफ्स का जो इस्तेमाल किया है वो महताब फूल के लिए किया है, जिसका सिर जो होता है बेसिकली गोल होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर्द तरीन मौसम में इस फूल के सर को भी सख्त बना दिया है, टफ बना दिया है और झुका दिया है। नाउ द ग्लोब श्रंक टाइट, पूरी जिंदगी लोगों की लाइफ जो है वो बंद हो चुकी है। विंटर में आप कहीं मूव नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, क्योंकि इतनी कड़ाके की सर्दी है। इसका मतलब है कि लाइफ के आगे एक फुल स्टॉप लग गया है, तो लोग कहीं पे भी कोई किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं हो रही है। दिस लाइन मीन्स दैट नाउ ग्लोब इज श्रंक टाइट, यानी कि लाइफ जो है वो श्रंक हो गई है, जिस तरह से हमारे हाथ सर्दी से श्रंक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, राउंड द माउस इज डल्ड विंटर्स हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने की कोशिश करता है। फिर शायर बेसिकली क्या काम करता है कि एक चूहे को देखता है, एक चूहे को इमेजिन करता है और उसकी दुखी जो हालत है, जो उसकी जिंदगी की हालत है इस विंटर ने जो बना दी है, उसके बारे में डिस्कशन करता है और कहता है कि खौफनाक सर्दी ने इस बेचारे जानवर के दिल की धड़कन को
छोड़ा छोटा कर दिया है, डल्ड विंटरिंग हार्ट, ठीक है, यानी कि सर्दी के श्रंक होने की वजह से इसकी लाइफ में भी बहुत खतरनाक असर पड़ा है। ये माउस जो बेचारा अपनी लाइफ या अपनी चीजें या वो फूड खाने के लिए इधर उधर मूव कर रहा होता है, अब श्रंक हो चुका है, एक जगह रुक चुका है, ठीक है, कहीं मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा। राउंड द माउस इज डल्ड विंटरिंग, और इस कड़ाके की सर्दी ने इसकी जो हार्ट बीट है बेसिकली वो भी स्लो कर दी है, इसकी धड़कन को बहुत धीमा कर दिया। उसके बाद वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रॉस, यहां पे एक जानवर का नाम लिया गया है जिसका नाम है वीजल। वीजल बेसिकली एक छोटा सा जानवर होता है जनरली, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम एक तरह का नेवला कह सकते हैं, ठीक है, ये बेसिकली मछलियां बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है। तो वीजल और यहां दो और एनिमल्स की एग्जाम्पल ली है, क्रो की बात भी की है कि इनकी भी जो लाइफ है ना वो भी श्रंक हो चुकी है। वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, यानी कि कहता है अब वीजल यानी कि एक नेवले जैसा दिखने वाला जानवर जो मछलियां बहुत ज्यादा खाता है, और कवे की हालत को भी बहुत ही बदतर बना के रख दिया है, उनकी हालत भी कोई अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है, समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि खौफनाक सर्दी जो है वो पड़ रही है, और खौफनाक सर्दी की वजह से एक ऐसे तूफान में ये फंस चुके हैं कि इनकी लाइफ भी बिल्कुल दरमांदा होके रह गई है, ठीक है। खौफनाक सर्दी की वजह से वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो वो किसी पीतल के सांचे, ब्रास का मतलब पीतल होता है, इसके मोल्ड में श्रंक होकर रह गए हैं, डालकर रह गए हों, यानी कि अब ना ये बड़ा हो रहे हैं ना छोटे हो रहे हैं, जैसे थम से गए हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस नॉट इन देयर माइंड्स, अब ये क्या काम करते हैं, दिन को तो ये बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते क्योंकि कड़ाके की बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, ठिठरा देने वाली सर्दी ने उनकी हरकतों को, उनकी मूवमेंट को बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बहुत ही महदूद कर दिया है, वो अभी कहीं मूव नहीं कर पा रहे, ना वीजल मूव कर पा रहा है और ना ही क्रो कहीं मूव कर पा रहा है, ठीक है। आखिरकार वो खुले आसमान के नीचे मुश्किल से कोई हरकत कर सकते हैं, मूविंग थ्रू एन आउटर डार्कनेस, जब भी वो रात के समय कहीं मूवमेंट करते हैं या घूमने जाते हैं, वो उस वक्त भी अपने माइंड्स में नहीं होते, नॉट इन देयर राइट माइंड्स। यहां पे बात को समझने की कोशिश करना है कि जब अंधेरा पड़ जाता है, अंधेरे में ये जानवर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और क्योंकि अब दिन के वक्त भी अंधेरा ही रहता है, तो एक ही बात है, चाहे हम दिन की बात करें या रात की बात करें, सूरज मुश्किल से कभी दिखाई देता है, कितनी कड़ाके की ठंड आप समझ सकते हैं, इतनी सर्दी की वजह से बेचारे ये जानवर अब होशो हवास जो है वो बिल्कुल खो चुके हैं, अपनी लाइफ के पुराने सांचे में बिल्कुल पा ही नहीं रहे, वो सोच भी नहीं पाते कि क्या करें, अपनी लाइफ को कैसे गुजारें, वो अपने लिए पनाह की जगह कहां ढूंढें, कहां रहें, ठीक है। अब वो दूसरी जिसे जानदार चीजों को मरते हुए देखते हैं और उन्हें डर लगता है कि वही बात कहीं उनके साथ भी ना हो जाए, जब वो ठंड की वजह से बहुत सारे जानवरों को अपने राइट लेफ्ट में मरते हुए देखते हैं, तो इसकी वजह से वो भी अपने असली माइंड में नहीं है, असली रूप में नहीं है, वो भी डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। यहां जो वर्ड यूज हुआ है नॉट इन दियर माइंड्स का मतलब है कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो जानवर हैं वो सारे मर रहे हैं। अब इसके पिकअप पॉइंट्स जो हैं इस पहले स्टैंजा के वो देखते हैं। यहां पे पॉइंट जो है विंटर के सीजन के बारे में बात कर रहा है, तो पहला पॉइंट है देयर द पोएट टॉक्स अबाउट द विंटर सीजन फर्स्ट, सेकंड इट श्रिंक्स द ग्लोब टाइट, दुनिया को लाइफ को महदूद कर देता है, उसे टाइट कर देता है, मूवमेंट बंद हो जाती है, इट मेक्स एवरीथिंग डल, हर कोई जो खूबसूरत दिखने वाली चीज होती है वो डल लगने लगती है, अजीब दिखने लगती है, ठीक है। इट मेक्स एवरीथिंग लाइफलेस अंदर, जैसे कि जिंदगी के बगैर जिंदगियां जी रहे हो हम लाइफ में। इट रिड्यूसेस द हार्ट बीट ऑफ अ माउस, और ये एक माउस की हार्ट बीट को भी रिड्यूस कर देता है। इट कंपेल्स माउस टू गो अंडर हाइबरनेशन, ये चाहता है कि एक माउस जो है हाइबरनेट हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है, और श्रंक हो जाके रह जाए, और उसकी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाए।
द मूवमेंट ऑफ ऑल द क्रीचर्स इज रिस्ट्रिक्टेड. सारे मूवमेंट्स जिसमें दो मीजल और क्रो की एग्जाम्पल लेके कहता है कि सब रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं. ऑल द क्रीचर्स गो आउट ड्यूरिंग द नाइट इन सर्च ऑफ फूड. सारी चीजें जो है वो नाइट को निकलती है सर्च ऑफ फूड, बट दे आर नॉट इन देयर राइट माइंड बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डेथ. वो इस कड़ाके की सर्दी की वजह से, इस ठंड की वजह से, और बाकी जानवरों को जब मरते हुए देखते हैं तो उन्हें डर लगता है, वो इसलिए बाहर भी नहीं निकल रहे. कितनी ही सरल और बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई. आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी. अपना प्यार आप शेयर करके दिखा सकते हैं और साथ में कमेंट्स करके भी लिख सकते हैं. विद द अदर डेथ्स शी टू परस्यूज हर एंड्स ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ हर पेल हेड हैज हेवी मेटल. अब यहां से वापस आता है, बाकी जानवरों को देखते हुए जैसे माउस जो है और वीजल और क्रो जो है, ठीक है, ये क्या काम करते हैं, बहुत कम मूवमेंट करते हैं, और वो भी कब करते हैं, नाइट डार्कनेस का मतलब यहां नाइट है, नाइट में, क्योंकि वो दिन में डरते हैं कि जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है तो कहीं पे भी प्रे या कोई भी शिकारी उनका किलिंग जो है वो कर सकता है या उनको प्रे बना सकता है. नाउ विद द अदर डेथ शी टू परस्यूज हर एंड्स. अब ये शायर ये इस फूल के बारे में वापस बात कर रहा है. शी टू परस्यूज, अब यहां पे शी की तरह क्यों इस्तेमाल किया गया है फ्लावर को, ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. क्योंकि यहां ये फ्लावर ब्लूम करता है, यानी कि फिर भी इसमें ये ताकत है कि विंटर की इस कड़ाके की सर्दी में ये फूल निकालता है. तो यानी कि एक बच्चा पैदा करने की क्षमता है इसमें, लाइफ में बच्चा पैदा करने की क्षमता एक फीमेल के पास ही होती है, इसलिए यहां फ्लावर को एज शी के लिए इस्तेमाल किया गया है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट. नाउ यहां पे विद अदर डेथ्स, बाकी जानवरों की जब डेथ को देखते हैं, शी टू परस्यूज हर एंड्स. यहां पे अगर हम बात करें, देखता है और शायर वापस फूल की बात करता है, वो इसे एक मादा के तौर पर पेश करता है क्योंकि इंतहाई सर्दी में भी उसे फूल पैदा करने की एक क्षमता है, ताकत है. गुली महताब जो है बेसिकली सन ड्रॉप जिसे हम कहते हैं, स्नो ड्रॉप सॉरी, जिंदा रहने की एक बेमिसाल कुव्वत का मुजाहिरा करता है. ठीक है, इतनी सर्दी के बावजूद भी अपने मकसद को हासिल करना जारी रखता है, हालांकि सर्दी की वजह से उस पर भी इफेक्ट है, उसका सर जो है बिल्कुल मुड़ चुका है, खत्म हो चुका है, वो भी इस सर्दी में बहुत ज्यादा तकलीफ देह में है, बट झुका नहीं है, झुका है बट जिसे हम कहेंगे गिरा नहीं है. ठीक है, अभी विदस्टैंड कर रहा है. सो व्हाट हैपेंस बेसिकली इन दिस केस, गुले महताब जिंदा रहने की एक बेमिसाल कुव्वत का मुजाहिरा करता है, इतनी सर्दी के बावजूद भी अपने मकसद को हासिल करना जारी रखता है, और ये इतने मकसद के दौरान भी, इतनी प्रॉब्लम के दौरान भी अपने मकसद को जारी रखता है, यानी कि वो विदस्टैंड करना, वो फूल निकालना उसे वो जारी रखता है. ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ. ठीक है, ये बारी बर्फ के अंदर भी अपने तन्ने को, अपने सरफेस को, अपने बाकी पार्ट्स को इतना एक्टिव रखता है कि ऊपर धकेलने की कुव्वत रखता है, बर्फ के बीच में से फूल खड़ा हो जाता है, जैसे मैंने आपको फूल का ये शेप दिखाया भी था. इस सर्दी के माहौल में भी ये इतना ही जालिम लग रहा है जितना कि इस महीने के सितारे, जो कड़क सर्दी, जिस दिन भी सितारे आसमान पे होंगे उस दिन सर्दी बहुत ज्यादा होती है, ये इमेजिनेशन है. और दूसरा ये है, आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे क्योंकि कश्मीर में है हम, तो ये हमारे लिए कोई बिल्कुल भी नई बात नहीं है. ये बारी बर्फ के अंदर भी अपने आप को ऊपर लाने की हिम्मत रखता है और खिलने की हिम्मत रखता है. ठीक है, और ये भी ब्रूटल है क्योंकि ये भी बहुत खतरनाक है, ये कोशिश करता है, हारता नहीं है, और किन तारों की तरह, एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ हर पेल हेवी हेड हेवी एज मेटल. हालांकि वो सर तो झुका लेता है, शदीद सर्दी के माहौल में गुले मुख्ताब और सितारे अपनी दिलकश खूबसूरती खो बैठते हैं, लेकिन फिर भी खिलना नहीं भूलते. हालांकि खो तो जाते हैं, खिलना नहीं भूलते, और देखने वाले को दिल में कोई जज्बा पैदा नहीं होता क्योंकि ये डल दिखते हैं, बहुत ही पेल दिखते हैं, अजीब दिखते हैं विंटर्स में, क्योंकि विंटर में वो टेस्ट खत्म हो जाता है लाइफ जीने का. ठीक है, और ये भी एक हेड पेल यानी कि पीले जर्द का पड़ा हुआ, जिसे हम कहेंगे नीचे की तरफ मुड़ा हुआ, अपना सर झुकाया हुआ, मानो कि ये पीतल की तरह, मेटल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दांत की तरह बेसिकली जैसे ये बना हुआ हो, इस तरह शायर सर्द मौसम में कुदरत के बेरहमी और बेरुही का मंजर पेश करता है. कुदरत की इस बेरहम कड़ाके भरी सर्दी को बयान करता है शायर,
और समझाता है कि हाँ, और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने की भी कोशिश करता है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉम की समरी के अंदर। तो समरी ऑफ दिस पॉम हम यहीं पर डिस्कस करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन आंसर पोएटिक डिवाइसेस एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे और ग्रामिकल वर्क होगा वो हम क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में डिस्कस करेंगे जो कि इसके नेक्स्ट बाद आपको मिल जाएगा। The poem Snowdrop has been written by Edward James Hughes and he presents a very tough and cruel image of the nature in the winter season. इसको Hughes ने लिखा है और वो winter की एक खतरनाक शक्ल दिखा रहा है। He says that the world has shrunk tight due to terrible freezing cool severe winter has restricted the movement of all the animals. इस विंटर ने सारे एनिमल्स को अंदर बंद रखा है। इट हैज स्लोड डाउन द हार्ट बीट ऑफ अ माउस विच अदरवाइज इज एन एक्टिव एंड लाइव क्रीचर। आप सबको मालूम है, इसमें कोई दोराय है नहीं कि इसने लाइफ ऑफ माउस को भी खत्म कर दिया है, उसकी हार्ट बीट को भी क्लोज कर दिया है। द प्लाइट ऑफ द वेसल एंड द क्रो इज ऑल्सो नो डिफरेंट। क्रो और वीजल की भी बिल्कुल यही हालत है, वो भी अपनी लाइफ से बहुत तंग पड़े हुए हैं, उनकी भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई है। दे आर फ्रोजन विद द कूल, वो उसकी वजह से श्रंक हो चुके हैं, फ्रोज हो चुके हैं, नियरली इमोबाइल यानी कि बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, जिस तरह से कोई चीज किसी मेटल के अंदर संदूकछे में रखी जाए और बंद कर दिया जाए। दे आर नंब एंड डेड विद द कोल्ड, वो नंब हो गए हैं, डेड हो गए हैं कोल्ड के साथ। मूविंग इन विंटर सेम एज देम नो वर्स देन मूविंग थ्रू द हेल, उनको विंटर में बाहर जाना इस तरह लग रहा है जैसे कि जहन्नम में जाने के बराबर हो। हाउएवर द स्नो ड्रॉप शोज एन एक्सेप्शनल पावर ऑफ द सर्वाइवर, लेकिन यहाँ पे फ्लावर की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक एक्सेप्शनल पावर, एक यूनिक पावर दिखाता है किस बात की, सर्वाइवल की। डिस्पाइट सीवियर विंटर, बहुत ज्यादा विंटर होने के बावजूद भी इट कीप्स परस्यूइंग इट्स एंड्स, ये लगातार, हालांकि ये भी थक जाता है लेकिन कभी हार नहीं मानता। इट बियर्स फ्लावर्स Even in such a freezing cold, ये इस कड़ाके की सर्दी में भी फूल देता है। It blooms in a way like the stars in the winter season, which shine regardless of the harsh winter conditions. ये bloom करता है, खिला रहता उन तारों की तरह जो विंटर में भी खिले रहते हैं, हालांकि उनमें वो चमक धमक नहीं होती बट फिर भी खिले रहते हैं। It bears light colored a white flower and its head keeps hanging down as if it's a heavy like a metal. और इसका सर जो है हमेशा झुका हुआ रहता है इस फूल का, स्नोड्रॉप का, जैसे कि ये मेटल का बना हुआ हो, जैसे इतना सख्त हो। तो यहां आज की पोम होती है हमारी खत्म। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और हमारी ये कोशिश हमेशा की तरह आपको पसंद आएगी। वीडियो को शेयर करें और साथ साथ में हमें इंस्टाग्राम और बाकी हमारे प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो करें और साथ साथ में अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हम कंटिन्यूअसली वापस फोकस्ड यूट्यूब पे आ सकें और अपने काम को जारी रख सकें, क्योंकि बहुत सारी बाकी जिम्मेदारियां भी हैं और जिन्हें भी पूरा करना पड़ता है, इसलिए बहुत रेगुलर रहना बहुत मुश्किल है। बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट एंड कोशिश करेंगे आपको अगर इस साल हम इंग्लिश दे पाए तो नेक्स्ट ईयर कुछ और चीजें जो हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट यस, इंग्लिश का हमारा टारगेट डेफिनेटली है। और दूसरी बात कि कुछ मॉडल पेपर्स जो हैं वो हम बना रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए करते हैं आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ में अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।